पानी जमा ये निजाम के बने हुए साहब ये पेंट देखा था मेरा स्टोरेज पीस दो बना देना था पूरा अंदर आ गया था फाइबर का अल्लाह के फजल करम से आज पहली रमज़ान है और पहला जुमा है। मैं मजलिस मुस्लिमीन के एक MLA की हैसियत से तमाम लोगों को रमज़ान की मुबारकबादी देता हूँ। जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान और दुनिया भर के मुसलमान हैं सबको रमज़ान की मुबारकबादी देता हूँ। आज शाही मस्जिद बागाम के अंदर जुमा अदा किए हैं। यहाँ पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर यहाँ के इंतज़ाम का जायज़ा लिया गया है, जिसमें टेम्पररी शेड, चूँकि बारिश का मौसम है, कसीर तदाद में तरावी के लिए यहाँ पे आवाम आती है, जिसके लिए शेड डाला गया है मंजिस की नुमाइंदगी के ऊपर और लाइटिंग कराई गई है। और ख़ास तौर से जो आजकल मॉडर्न लाइटिंग कलर लाइट आते हैं वो भी कमान को लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हर साल से बेहतर इंतज़ाम हुआ है। पिछले साल किसी वजह से शेड बराबर नहीं था जिसमें पानी लीकेज हो रहे थे। अब की बार जैसा मक्का मस्जिद के अंदर जो टेम्पररी शेड डाला जाता था उसी अंदाज से शाही मस्जिद बागाम को भी, चूँकि ये दो मसाजिद स्टेट मस्जिद है जिसको हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे तमाम सहूलतें पहुँचाने के लिए। अल्लाह के फजल से मजलिस की नुमाइंदगी पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सहूलतें पहुँचाई गई है। आज नमाज के बाद में एक तफसीली दौरा किया गया है जिसमें MJ अकबर साहब भी मौजूद थे और GHMC के तमाम अहदेदार भी मौजूद है और ये देखा गया और जो जो चीज़ की अभी तकलीफ है उसकी भी नुमाइंदगी की गई है और इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। Bravo.